हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। महागठबंधन में सीटों का ऐलान हुआ, लेकिन एक बड़ी खबर आ गई। मुकेश सहनी ने उसी मंच से तेजस्वी के सामने यह ऐलान कर दिया कि अब वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। दरअसल मुकेश सहनी ने कहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। महागठबंधन ने सीटों का ऐलान किया, 144 सीटें आरजेडी अपने पास रखी हैं, जिसमें से वीआईपी को भी देने की बात कही जा रही है। अब ऐसे में वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी बिगड़ गए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया और बाहर निकल गए गुस्से में। बाहर कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। पहले आप वो तस्वीर देखिए किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुस्से में निकलकर बाहर निकल गए मुकेश सहनी। तो आपने वो तस्वीरें देखी किस तरीके से मुकेश सहनी जो है वह प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बाहर निकल गए। दरअसल महागठबंधन से निकलने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। बताया कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने उनके साथ धोखा किया है। तमाम कार्यकर्ता जो उनके वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो बाहर हंगामा कर रहे थे, महागठबंधन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो सीटों का ऐलान हुआ, लेकिन ऐलान के ठीक बाद महागठबंधन टूट गया है। मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया कि अब वो महागठबंधन से अलग होंगे, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो क्या ऐलान करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, महागठबंधन का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बेहद खास था, क्योंकि लगातार लोग ये उम्मीद लगाए हुए थे कि सीटों को लेकर फैसला होगा। और आज वो फैसला हुआ भी, लेकिन इस फैसले से वीआईपी नाराज हो गई है। 144 सीट आरजेडी के हिस्से में, 70 सीट कांग्रेस के हिस्से में, और बाकी 28-29 सीट जो है वह लेफ्ट की पार्टियों को दिया गया है। तो ऐसे में वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी नाराज हो गए, क्योंकि आरजेडी ने यह कहा कि 144 में से जेएमएम और वीआईपी को दिया जाएगा। मुकेश सहनी ने सीधे तौर पर कहा कि उनके साथ 25 सीट और उप मुख्यमंत्री पद का कहा गया था, लेकिन इन तमाम चीजों पर तेजस्वी यादव मुकर गए हैं और वो गुस्से में बाहर निकल गए। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तमाम अपडेट्स के लिए आप हेडलाइंस बिहार के साथ बने रहे।